हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं एक कमेंट्स के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स है ये। हो सकता है पूछा किसी एक ने है क्वेश्चन, कई लोगों के हों, तो मुझे लगा कि इस कमेंट्स पर बात कर लेनी चाहिए। तो चलिए इसी कमेंट के साथ अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, रोशनी आपने पूछा है कि आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कोर्स क्यों नहीं परचेज किया, आपने क्यों उत्कर्ष से परचेज किया। तो मैं आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कभी भी पेड बैच हमने नहीं देखा है, कभी भी उनके पेड मटेरियल हमने नहीं देखे हैं कि वो कैसे मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी मैं रिव्यू दूंगी उनका, वो मैं फ्री क्लासेस के बेसिस पे दूंगी। जो मैंने यूट्यूब पे उनकी फ्री क्लासेस देखी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा है, उनके फ्री क्लासेस मैंने देखे हैं, क्योंकि उनका थंबनेल इतना इंटरेस्टिंग होता है कि उस वीडियो पे क्लिक हो ही जाता है अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन करना। तो मैंने देखा, और मैं मानविकीय सब्जेक्ट की स्टूडेंट रही हूँ, मैं आर्ट साइड की स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है। तो मैंने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, और उसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटीज भी कंप्लीट की है। तो इस वजह से मैं उनके जो मटेरियल थे उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। उनके मटेरियल नो डाउट बहुत अच्छे हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम का नेचर है वो बहुत फैक्ट बेसिस है। और यूपीपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीपीएससी की बहुत एक अच्छी हैबिट है कि वो कभी भी अपने आउट ऑफ सिलेबस जाके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वो क्वेश्चन को चाहे जितना तोड़े मरोड़े, जितना टफ बनाए, कुछ भी करें, लेकिन वो क्वेश्चन उनका उनके सिलेबस में से ही होता है, उनके सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो ये यूपीपीएससी का बहुत एक अच्छा, कह सकते हैं कि नेचर है क्वेश्चन पूछने का। तो जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपना नोट्स प्रोवाइड कराते हैं फ्री में, उसको मैंने देखा है, उसके एनालिसिस मैंने की है, उनकी वीडियोज़ भी मैंने देखी है, उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई। अगर मैं 2 घंटे की वीडियोज़ ओपन कर रही हूँ तो 1 घंटे बाद मैं बोर हो जाती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी। तो जब भी आप कहीं से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तब तक आप स्टडी बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं, वो मटेरियल चाहे जितना अच्छा हो। तो मेरे साथ बस ज़्यादा इशू यही था कि उसमें मुझे लगा कि सब चीज़ें याद करने वाली हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो टीचर आपको समझा रहे हैं उस टाइम पे आपके माइंड में वो चीज़ें फिट हो जानी चाहिए। आप किसी चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ के अगर कोई आपको सुना रहा है, तो उस चीज़ के लिए तो हम कोर्स नहीं परचेज करते हैं ना। हम इसलिए कोर्स परचेज करते हैं कि टीचर हमको जितना ईजी तरीके से समझाए कि उस चीज़ को हम ईजिली समझ पाएँ। जैसे हम आपको बता दें कि नीति निदेशक तत्व हो गया, संविधान की प्रस्तावना हो गई, उसके बाद आपका मूल कर्तव्य हो गया और मौलिक अधिकार हो गए। इन 4 में से एक चीज़ ऐसा है जो वाद योग्य है, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो वाद योग्य नहीं है। यानी कि एक चीज़ को आप न्यायालय में जाके चैलेंज कर सकते हैं, 3 चीज़ों को न्यायालय में जाके आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो एक टीचर के समझाने का तरीका होता है, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ वाद्य योग्य है, ये चीज़ वाद्य योग्य नहीं है, तो आप कितनी देर तक याद रख पाएंगे। और अगर टीचर तीनों चीज़ को समझा रहा है, तीनों चीज़ को समझाने के बाद एक दूसरे से कंपेयर करके बता रहा है कि ये चीज़ें वाद्य योग्य हैं, ये चीज़ें वाद्य योग्य नहीं हैं, तो वो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को नोटिस किया, और मुझे जो बेटर प्लेटफॉर्म लगा वहाँ से मैंने कोर्स परचेज किया। मैं उत्कर्ष से भी पहले कभी नहीं पढ़ी हूँ, उत्कर्ष से भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं देखा था कि वो क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने उनके डेमो क्लासेस देखी, जो कि ऑनलाइन भी आप अगर कोर्स परचेज करने जाएंगी किसी उनके ऐप पे, तो आपको डेमो क्लासेस एक एक मिल जाएंगी। तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि टीचर किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं हमें। तो वो चीज़ें मुझे उनकी बेटर लगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ये बहुत टफ क्वेश्चन था आपका, क्योंकि 2 प्लेटफॉर्म को कंपेयर करना मुझे नहीं सही लगता, क्योंकि हर कोई अपना 100% दे रहा है, हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, और कोई कहीं से कनेक्ट कर पाता है, कोई कहीं से कनेक्ट कर पाता है, लेकिन 2 चीज़ों को इस तरीके से तोल मोल करना मुझे सही नहीं लगता। बट आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा कि आपके डाउट जो है वो क्लियर कर देने चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम उत्कर्ष पे, कि उत्कर्ष से हमने क्यों कोर्स परचेज किया। तो उत्कर्ष से जो हमने कोर्स लिया वो इसलिए लिया कि वहाँ का जो टीचर का एक्सप्लेन करने का तरीका था वो मुझे पसंद आया। अगर उनकी 2 घंटे की वीडियो चल रही है तो 2 घंटे मैं टिक के पढ़ सकती हूँ, मुझे इंटरेस्ट आता है उनकी जो टीचिंग की, मतलब उनका जो टीचिंग मेथड है उसके साथ मैं खुद को कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं टीचर्स की एक एक बात को सुन पाती हूँ, टीचर जब पढ़ाते हैं तो मैं बोर नहीं होती हूँ। तो बस यही एक चीज़ थी, उनके भी नोट से क्वेश्चन मिलते हैं। जो मैंने कोर्स परचेज किया है अभी मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ,
जबकि मैंने अपने एग्जाम से पहले ही कोर्स परचेज किया था और रिकॉर्डेड बैच मैंने परचेज किया था, सम रीजंस में नहीं कंप्लीट कर पाई थी, तो अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं कंप्लीट करती हूँ मेरा कॉन्फिडेंस अप होता जाता है, क्योंकि उनके नोट्स से भी क्वेश्चन मैच करते हैं। सिंपल सी बात है, सिलेबस हर कोई पढ़ा रहा है और सिलेबस से ही आपका क्वेश्चन आएगा, तो हर किसी के नोट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब वो अलग की बात है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म है कि आप हर जगह तो नहीं पढ़ सकते, और हर जगह पढ़ेंगे तो सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। कोई भी आप एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप अपना 100% दीजिए, जो आपके डाउट है वो आप टीचर से बात करिए, डिस्कस करिए, उस डाउट को क्लियर करिए और अपने नोट्स पे काम करिए। क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला बुरा नहीं पढ़ाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टीचर की भाषा को सरलता से समझ ले रहे हैं। क्योंकि समझने में अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप बहुत देर तक लेक्चर के साथ नहीं टिक पाएंगे। तो मैटर यही करता है, किसी भी कोचिंग का कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, आप उनकी कितनी ईजी भाषा है, आप कितना इजी तरीके से आप तक पहुंचा पा रहे हैं, कितना इजी तरीके से आपको समझा पा रहे हैं। और थोड़ा सा एफर्ट तो आपको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि टीचर का रोल सिर्फ होता है उस टॉपिक को समझाना, आपके डाउट क्लियर करना और आपको बताना कि आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, इतना नहीं इतना पढ़ो। बाकी सारी मेहनत आपकी होती है, आप मेहनत करेंगे तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोनों कोचिंग में बस फ़र्क इतना था कि यहाँ पर मुझे जो मटेरियल मिले फ्री में वो बहुत ज़्यादा फैक्ट बेसिस थे, मैं वहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाई खुद को, और वहाँ पे जो टीचर के समझाने का तरीका है, जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, जो उनकी लैंग्वेज है, मुझे इजी तरीके से समझ में आई और वहाँ पढ़ने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया, इस वजह से मैंने वहाँ से कोचिंग परचेज किया। ऐसा नहीं है कि उत्कर्ष वाले मुझे पैसे दिए हैं कि आप मेरे बारे में अच्छा बोलो, नहीं, मुझे कूपन कोड उन्होंने प्रोवाइड कराया है कि अगर आप कूपन कोड शेयर करते हैं तो जो भी बच्चा आपका कूपन कोड यूज करेगा कोर्स परचेज करते समय, उसको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मैं वो कूपन कोड नहीं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो भी मैं रिव्यू दूँ आप उस पर आप लोगों को ट्रस्ट हो। क्योंकि जब कूपन कोड इंसान शेयर करता है, उसके बाद चाहे जितना अच्छा रिव्यू दे दे, चाहे जितना ऑनेस्टी के साथ आपके साथ डिस्कस कर ले चीज़ों को, आपको ये लगता है कि अरे इनका वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, इस वजह से ये उनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बहुत कम बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, लेकिन जो भी जुड़ते हैं उनको अगर मैं कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ, उनके साथ मैं किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रही हूँ, तो वो 100% ट्रस्टेड हो, 100% वो पॉजिटिव चीज़ें हो जो उनके तक मैं पहुँचा पाऊँ। अगर किसी कोर्स का मैं रिव्यू दे रही हूँ तो पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं उस कोर्स का रिव्यू दूँ। मुझे कोई दबाव नहीं है, मैं वहाँ से कोई इनकम नहीं करती हूँ कि मुझे उसका प्रेशर है कि मुझे उनके बारे में अच्छा 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 ही बोलना है। अगर उनके करंट अफेयर्स के मटेरियल सफिशियंट नहीं है तो मैं खुल के बोलती हूँ कि उनके करंट अफेयर्स के जो भी मटेरियल वो प्रोवाइड कराते हैं वो सफिशियंट नहीं है, करंट अफेयर्स आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा। बाकी की चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं तो मैं बोलती हूँ कि बाकी की चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, सब चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, बहुत अच्छे से टीचर ने एक्सप्लेन किया है, तो तारीफ के काबिल हैं, तारीफ उनकी बनती है क्योंकि मैंने पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा है। हो सकता है आप पढ़ें, आपको ना आप उनसे कनेक्ट कर पाएँ, वो सबका अपना पर्सनल कॉल होता है। कुछ लोगों को याद करना बहुत ज़्यादा पसंद है कि बस ऐसे वन लाइनर मिल जाए आप याद कर लो, कुछ लोगों को होता है कि टीचर एक्सप्लेन करता है तो उसमें आपको इंटरेस्ट आता है और वो चीज़ें आपको जल्दी याद होती हैं। तो सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है, मुझे जो बेटर लगा वहाँ से मैंने कोर्स परचेज किया और वहीं का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ सही मायने में शेयर कर सकती हूँ। फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स का रिव्यू मैंने दिया है, वो कोई पेड कोर्स मैंने नहीं लिया है, जो फ्री वीडियोज मैंने देखे हैं वहीं से मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगर आप वहाँ से कोर्स परचेज किए हैं तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना ये वीडियो देख के, क्योंकि हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो बिल्कुल आप पढ़िए, अपनी स्टडी में लगे रहिए, क्योंकि इतनी सारी कोचिंगें हैं, हर जगह हर बच्चा तो नहीं पढ़ सकता है ना। तो जो मेरा रिव्यू था वो मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ शेयर किया कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इनकी फ्री वीडियोज़ के साथ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है उनके पेड बैच के साथ, और पेड बैच का रिव्यू मैंने दे रखा है, फुल रिव्यू मैंने दे रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके वो वीडियोज़ देख सकती हैं। और अब बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जब तक नहीं रहता है किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने में, लेकिन अब सब लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो चुके हैं और सब स्पीड पकड़ लें तो अच्छी बात है, क्योंकि 6 महीने का भी टाइम है। तो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी चाहें तो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं पढ़ के, क्योंकि 6 महीने बहुत होते हैं। और जो आपका सिलेबस है वो ऐसा नहीं है कि एकदम समंदर है कि आप उसमें ढूंढते रह जाओगे, बस एक सही स्ट्रेटेजी के साथ आप वर्क करेंगे तो बहुत फैक्ट बेसिस आपका सिलेबस है तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके अपने लिए एक सीट पक्की कर सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।